सबसे पहले उनसे मेरा तारुफ हुआ था होठों से छू लो तुम। हम लोग छोटे थे और वो जो आवाज़ जो मैंने मखमली आवाज़ सुनी थी, ये किसकी आवाज़ है, क्योंकि वो आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। और उस दिन से आई फेल इन लव विद जगजीत साहब वॉइस एंड गज़लों से मेरा जो प्यार बना बाद में, वो शायद आई वुड से थैंक्स टू जगजीत साहब। जब फिल्मों में आई तो उनसे मिलना चाहती थी, क्योंकि उनकी उन्होंने बहुत सारी मेरी फिल्मों के लिए गाया भी। और उनका और गुलजार साहब की जो जोड़ी है वो मुझे बहुत पसंद है, तो अभी अभी गुलजार साहब से भी मिली। तो जगजीत साहब से मैं खास आई मेट हिम ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ माय फिल्म, और फिर उसके बाद फिर से मिली पंजाबी। और जब पंजाबी मिलते हैं तो एक वॉर्मथ एक अलग तरह की होती है, और उसे हम निग्गापन कहते हैं, कि एकदम ऐसे बहुत प्यार से बहुत वॉर्मथ से मिलना। तो वो उनमें एक बेबाकपन, एक वॉर्मथ, एक प्यार था। एंड आई रियली मिस हिम, आई रियली मिस हिज वॉइस, आई मिस हिज कॉन्सर्ट्स, बिकॉज मैं और मेरा भाई, वो भी आज खास आया है देखने के लिए, वी बीन आर्डेंट फैंस ऑफ जगजीत साहब। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आज के दौर के सिंगर्स में नहीं देखी? उनके अंदर का जो एक ठहराव है और जो वो एंजॉय, आई थिंक उन्हें कहा जाता है कि वो भारत के सबसे पहले रॉक स्टार रहे हैं। उनको लोग सुनते थे, चाहे उनकी पंजाबी टप्पे हों, चाहे गज़लें हों, ही वॉज फैबुलस इन वॉट एवर ही सैंग। और बीच में वो जो पॉज ले लेते थे या रुक जाते थे, तो लोगों की सांस रुक जाती थी कि अब आगे क्या गाएंगे। सो दैट इज़ अ ब्यूटिफुल क्वालिटी अबाउट हिम। बोलते भी अच्छा थे, गाते भी बहुत, ऑफकोर्स आई मीन दैट वॉज मैजिक। बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं वो जगजीत साहब के मुरीद हैं और देखना चाहेंगे ये फिल्म। मैंने पंचमदा की फिल्म देखी है ब्रह्मा की, और वो बहुत सुंदर फिल्म है, और मैं कब से उनका सर खा रही थी कि जगजीत साहब की फिल्म कब दिखाएंगे। एंड आज ये मौका आया तो आई हैव जस्ट रश्ड फ्रॉम अनदर मीटिंग टू बी हियर, एंड आई रियली वांट टू वॉच। मैम, मामी फैज चल रहे हैं और आपकी शॉर्ट मूवी प्लस माइनस को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है, बहुत ही अच्छे से कमेंट्स को, एक यूनिक कमेंट्स जो मिले हैं अब तक जो अप्रिशिएट किया गया है बहुत। मुझे लगता है 15 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो जाना अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यू है, और वो एक जो तबका है जो भुवन बाम के फैंस रहे हैं बिग, वो शायद उनको भी जानना मैंने शुरू किया, दैट टीनेज ग्रुप, और उनके इतने सारे मैसेजेस। एक दिन शायद मेरा कुछ नंबर लीक हो गया कुछ, तो एक दिन इतने 100 के ऊपर कॉल्स आ गए, सिर्फ ये कहाँ से आए। सो दैट वॉज क्विकली माई पी आर टीम डिस्पेंड, अरे ये क्या हुआ, एंड देन वी हैड टू शट इट ऑफ। But that was the love that I got for that film, and it feels nice कि आप हर बार आपको अलग ऑडियंस अलग फिल्म के लिए प्यार देती है। आई थिंक आई एम न्यू टू दिस फील्ड, बट अभी मेरी दो शॉर्ट फिल्म्स ऑलरेडी रिलीज हैं, और मुझे लगता है क्लिक ऑफ योर फिंगर एंड आप सबको कह देते हैं बजाइए कि आओ हमारी थिएटर में फिल्म देखो, आप कहते हैं कि ज़रा ये लिंक दबाओ और देख लो, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बट मज़ेदार लगता है कि 15 मिनट में आपने कितना कुछ कह डाला और बहुत खूबसूरती से कह डाला। और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में शॉर्ट फिल्म तो बहुत अच्छे से काम करते हैं कि देखो और निकलो। पहले मैडम का शॉर्ट्स ले लो।
हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास। उसको पता ही नहीं। दिल में उनके गाने गाने का मन करता है, उनकी ज़िंदगी देखने का मन करता है, और यही हमने किया है फिल्म में कि उनके जो गाने का इतना एक जो पीक पहुंचा, उसके पीछे क्या क्या हुआ कि किस 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 दौर से उनको गुजरना पड़ा, किस तरह की मेहनत, किस तरह का लगन, किस तरह की इंसानियत निकाल के सामने लानी पड़ी उन्हें। ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट द फिल्म में है। अभी मैं अगर अपना फ़ोन निकालूंगा तो मेरे फ़ोन में भी एक फोल्डर है जगजीत सिंह सॉन्ग्स। हम लोग एक्चुअली अर्ली 90s में बड़े, जब हॉस्टल में थे ना, तो हम लोग जगजीत सिंह साहब के गज़लों गानों पर ही बड़े हुए हैं। हमारे हॉस्टल में हम जब एक्टिंग स्टूडेंट थे, हमें एक टेप रिकॉर्डर मिलता था जिसकी हमें एक कसेट मिल रही थी कि इस पर आप स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उस पर कोई स्पीच की प्रैक्टिस नहीं करता था। सब लोग, विजन एल्बम रिलीज़ हुआ था, विजन वॉल्यूम 1 एंड विजन वॉल्यूम 2, बस वो पूरा दिन भर, शाम को जब हम अपनी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग क्लासेस ख़त्म करके हॉस्टल वापस आते थे, शाम को सबके कमरों में सिर्फ जगजीत सिंह बज रहे होते थे। सो हम तो बड़े हुए हैं उनके म्यूज़िक पे। तो जैसा सर ने कहा कि गाने का मन करता है, आई थिंक उनकी सिंगिंग की खासियत ये है कि आप उनकी गज़ल ना सिर्फ सुनते तो हैं, लेकिन जो सच में उनके फ़ैन हैं वो गाना भी चाहते हैं साथ में। सो उसको एक्सपीरियंस करने का मन करता है, मतलब उनकी गज़ल ऐसी है और गायकी ऐसी है और माशाल्लाह आवाज़ ऐसी है ना, कि वो मतलब वो अपने अंदर उसको लेने का पीने का घोलने का मन करता है हमेशा। और हॉस्टल में तो ऐसा होता था ना, दोस्ती यारियाँ झगड़े पैचअप होते रहते थे, तो जब दोस्ती यारी झगड़ों के बीच में जगजीत सिंह साहब बहुत काम आते थे। बिल्कुल, कई सारे रोमांस में बहुत काम आए हैं। रोमांस में कई कई लोगों की ज़िंदगी जानता हूँ जिनमें दो लोगों का साथ में पैचअप नहीं, आना भी साथ में हुआ, पैचअप तो हुआ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मतलब मुझे याद है, हम जब हॉस्टल में थे तो हम प्लेस के लिए ट्रेन से सफ़र करते थे, तो झुकी झुकी सी नज़र तो चलता ही था, फिर ये बता दे मुझे ज़िंदगी क्यों इस तरह, प्लस उसके बाद फिर और ज़्यादा कुछ बहुत मौजूद था। मुझे याद है वो एक सॉन्ग था उनका, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो फिल्मी गाने हो गए, हम नॉन फिल्मी गानों की भी बात कर रहे हैं उनके। सो वो कोई मुकाबला नहीं है। ये फिल्म बनाने का वजह यही रहा है कि जगजीत सिंह को जिस तरह से हम प्यार करते हैं, जानते हैं, और इस तरह के लेजेंड का एक जो लेगेसी होता है वो कायम रहे, और कायम कैसे रहे जब हम उनके बारे में जानेंगे, तो ये फिल्म वो साइड से आपको रूबरू करवाता है
जो आप नहीं जानते हैं। आप जगजीत सिंह को जानते हैं एज ए मशहूर गायक, बट वो किस तरह से गायक बने या कैसे उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, मैनेज किया, किस किस क्राइसिस से गुजरे, किस तरह के टर्न्स हुए उनकी ज़िंदगी में, वो सब कैसे उन्होंने मैनेज किया, किस तरह से एक ज़िंदगी जिया जो एक इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए और लेगेसी तो है ही है हमारे लिए। तो बस यही सब करके हमारी उम्मीद ये है कि लोग आएंगे, जो भी जगजीत सिंह को चाहने वाले हैं वो आएंगे, फिल्म देखेंगे और इस फिल्म को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।